एवरीवन, आई एम सुरभि। और मैंने थोड़े दिन पहले अपने इस पेज पे ये शेयर किया था, यू नो, एक नॉर्मल वीविंग थिंग विच इज़ मेड बाय माय चाइल्ड। तो यू आर आस्किंग कि कैसे बनाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वीविंग लूम। मॉन्टेसरी में, वॉल्डॉर्फ में बहुत सारा होता है बच्चों के लिए, बिकॉज वेरी गुड मोटर स्किल्स एंड इज अ स्किल, राइट? वीविंग इज अ स्किल। तो आई हैड बॉट द वीविंग लूम सेट फॉर माई चाइल्ड, और वो नहीं, इट वॉज बिग बिग नफ सेट एंड माई चाइल्ड नेवर कम्प्लीटेड इट, गॉट लॉस्ट इन बिटवीन। तो मैंने उसका एक बहुत सिंपल डी आई वाई बनाया, इंस्पायर्ड कि एक्चुअल वीविंग लूम्स कैसे होते हैं, अ सिंपल वन, डिपेंडिंग कि आपको कितना साइज चाहिए, आपके बच्चे में कितनी पेशेंस है, लाइक दैट। तो मैंने सिर्फ एक कार्डबोर्ड लिया, उसको यहाँ पे मैंने स्लिट्स कर दिए दोनों साइड, ठीक है। उसके अलावा चाहिए आपको दो यार्न्स। तो इसमें हम देखोगे दो यार्न्स हैं, एक ऑरेंज कलर का जो है वो नॉर्मल वूल है, और एक टी शर्ट यार्न है। तो टी शर्ट यार्न क्यों होता है, टी शर्ट यार्न नथिंग बट जैसे ये टी शर्ट यार्न है, आपकी टी शर्ट्स होती है, कॉटन की टी शर्ट्स होती हैं, उनको उनकी लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स काटो इस तरह से, यू कैन सी कॉटन नॉर्मल टी शर्ट्स हैं इनको, और जब वो छूट जाता है तो वो ऑटोमेटिक सॉफ्ट थ्रेड बन जाता है। तो लेगिंग्स होती हैं मेरी और मेरे हस्बैंड की लंबी लंबी टी शर्ट्स होती हैं, तो यू नो फ्रॉम दैट वी मेक टी शर्ट यार्न, क्योंकि इट्स वेरी इजी, इट्स इजी टू हैंडल फॉर अ चाइल्ड। कोई गड़बड़ हो जाती है, नॉट बन जाती है, बहुत इजीली ओपन हो जाती है, वही होता है कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट, बहुत जल्दी कंप्लीट होता है प्रोजेक्ट, तो बच्चे खुश हो जाते हैं और पेशेंस रहती है उनको कंप्लीट करने में। और दूसरा जो चाहिए हमें, नॉर्मल वूल चाहिए, वट एवर इट इज, ठीक है। ये ध्यान रखना क्योंकि जब वो थिक होती है तो इट गेट अ लिटिल क्लम्सी फॉर अ चाइल्ड। तो वन थिन यार्न एंड वन टी शर्ट। अब ऐसे लिया, नाउ यू स्टार्ट एनी एंड, ओके। सो दे टू वे यू कैन डू, अगर आपने बैग बनाना हो तो आप दोनों तरफ को वीव करते हो, और अगर आपने इसे जैसे मेरी गर्ल ने सिर्फ ड्रेस बनानी थी ऐसे करके, तो आप सिर्फ वन साइड यार्न करते हो, वीव करते हो। तो पहले हम सिर्फ वन साइड करेंगे, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गेट अ हैंग ऑफ इट यू कैन डू टू साइड ऑल्सो। सो हमने यहाँ से शुरू किया एंड देन लाइक दिस, ठीक है। तो उसको बस हम ऐसे करके थ्रू ईच कट, यू कैन गो लाइक दैट ऑल्सो एट द बैक। अदरवाइज अगर अपने यार्न बचाना हो, जो मैं यूजली बचाती हूँ, तो मैं इसे ऐसे भी वीव करूँगी। ओके, लेट मी डू इट एंड देन प्रोबेबली जब बड़ा हो जाएगा तो आपको साथ। तो इधर से ऐसे को दिखेगा, यू नो, और पीछे से वो ऐसा दिखेगा, यू नो। आई एम नॉट टेकिंग इट लाइक दैट, यू कैन टेक लाइक दैट ऑल्सो, बट फिर मेरा यार्न वेस्ट हो जाता है, तो हम ऐसे करेंगे। लेकिन जब आप डबल स्टिच बनाओगे तो ऐसे ऐसे दोनों तरफ करोगे, वो वीविंग दूसरी तरफ करनी होगी। बट इधर को सिंपल रखिए, ऐसे करिए, ठीक है। उस तरह से आई गो टिल द एंड विद अ स्मॉलर, इट इज माई कॉस्ट इफेक्टिव पे। अगर आप दोनों तरफ से लंबा लंबा थ्रेड करना चाहते हो तो भी चलेगा, इट इज दैट इन सिंगापुर यू डोंट गेट दीज थिंग्स वेरी इजीली एंड दे आर एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज यू नो सून। सो I always on a mission to, you know, save as much wool as in all these things. T-shirt yarn I use too much because I know I can create that myself. But wool thing is, तो देखो इधर से बना ऐसे और इधर से बना ऐसे, ठीक है। कितनी स्पेसिंग रखनी जैसे मर्जी करना वो आपकी मर्जी, अभी हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे वीविंग। तो वीविंग के लिए भी जब आप बेबी को दोगे तो आप एक अप्रॉक्सीमेटिक लेंथ देना कि इतनी देनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोगे तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। बट अदरवाइज ए सिंपल वीविंग टेक्निक, यहाँ डाला एक को स्लिप, एक को मिस किया, ऐसे 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 हमें ऐसे वीव करना है, ठीक है। ये हो गया मेरा एक एंड, तो आई कैन जस्ट स्टॉप इट हियर। और उसके बाद मुझे एक डिफाइन लेंथ देनी पड़ेगी बेबी को कि मैं क्योंकि इट हैज टू गो बैक, तो एज्यूमिंग कि मैं इतना देती हूँ, दैट इज योर एस्टिमेशन। तभी द यंगर द चाइल्ड इज द मेक अ स्मॉलर बोर्ड एज मच एज पॉसिबल, यू नो, बिकॉज उसे इसी तरह से भी ऊपर तक करना है। तो अगेन गो द सेम वे अराउंड, यहाँ पे हमने छोड़ा था, तो यहाँ पे अगर ये डाउन है तो ये ऐसे कुछ है, यू नो, अल्टरनेट वीविंग। बेसिकली नाउ वी आर रिटर्निंग बैक, ओके, सो वी विल रिटर्न बैक नाउ द सेम
we will pick up one thread, I mean we'll go over one, under one, over one, under one. So once you get a hold of it, child gets a hold of it, it's very very easy. But still the beginning se karna, see आप इसे ऐसे ऐसे करके ऊपर तक वीव करोगे, ठीक है? So see, we have reached till here and this hurdle को तो nothing rocket science, but because t-shirt यहाँ है तो ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा because it takes lot of space, you know. और वैसे वैसे हम इसे पूरा इन तक कर देंगे. अब आएगा कि हमें क्लोज कैसे करना चाहिए. I'll just show you an example of one knot. You have to basically ये जो हमने ये करे है ना, we'll open them and tie them so that these threads from here do not slip out. So that is a trick that I'm going to show you. So now my weaving is completed. So I mean depends. आपने ऊपर तक weave करना. I'm just showing an example. मेरी यहाँ तक weaving complete हो गई है. अब मैं इसे back से I'll take one by one. Okay, don't take all of them out. तो जैसे अब मेरा ये first two है, top one. I'll take them out like this. Okay, ये मेरी ring है. I will cut. Can you see? There is a ring, this ring, which I, if you see, जो मैंने पीछे से निकाली थी, I have cut these two and I'll tie a knot. So if I tie a knot, मैंने इसमें यहाँ पे इसकी नॉट बांध दी मुझे टी शर्ट यार के साथ. अच्छा यहाँ पे आपको नॉट दिखे, उस वजह से मैं ये सभी खोलूंगी वन बाय वन एट द बैक ऑन बोथ द साइड्स और नॉट बांधूंगी और एंड में वो सब इस पे टाई हो जाएगा. सो नाउ आई विल कैच यू वंस आई टाई मोस्ट द नॉट्स. सो मैंने ये वाले सारे ओपन कर दिए, इनके सारी नॉट्स इधर को टाई हो चुकी हैं. जब मैं इसे ऐसे ओपन कर रही हूँ तो ये ऐसे आई कट द एंड्स ऑफ स्लिप वन वीकनेस और इधर को बचा. अब मैं इधर से फिर से यहाँ से वन करती चलूंगी, यहाँ पे नॉट बांधती चलूंगी एंड देन वी विल सी कि फाइनली जब मैं बिल्कुल नीट आउट कर दूंगी तो एक छोटी सी ड्रेस बनेगी मेरी डॉल हाउस के लिए. सो बिफोर अ फाइन ऐसे ऐसा कुछ दिखेगा इस तरह से. मैंने बोर्ड से रिमूव कर दिए, अब मैं ये बस थ्रेड्स काट दूंगी साइड से और सिर्फ जो है ड्रेस बचेगी. सो हियर इज द फाइनल ड्रेस. ये मैंने छोड़े हैं सो दैट कैन टाई टू देयर डॉल, आई मीन हाउ विल शी वेयर व्हाटएवर दे प्रिटेंड टू बी. सो सिंपल हैंडवर्क प्रैक्टिस फॉर लिटिल किड्स टू बिल्ड फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन. एंड अगर यूट्यूब पे देखोगे तो इसके यू नो इफ यू यूज अ थिकर यार्न्स एंड लॉट ऑफ यार्न इट मेक अ मैट और एवरीथिंग. सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन वीविंग. सो इट्स गुड टू टीच किड्स सिंस दे आर किड्स how to do a simple weaving and help their skills. So that's what I wanted to share. Thank you. Bye bye.